हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सारे दोस्त अच्छे होंगे। अविनाश एग्ज़ाम गुरु चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं जनरल साइंस के यानी कि केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, जो क्वेश्चन का लेवल है बहुत हाई है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है और अपने यार दोस्तों को भी शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो दोस्तों, यह है उदासीनीकरण। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भाई दोस्तों, उपचयन अभिक्रिया। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है उपचयन अभिक्रिया। क्या दोस्तों? उपचयन अभिक्रिया। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं अभिकारक। श्वसन क्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो वह दोस्तों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है? तो वह दोस्तों 7 से कम। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? तो वह होते हैं आयन। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो वह दोस्तों लैक्टिक अम्ल। किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है? तो वह दोस्तों हाइड्रोजन। वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है वह कहा जाता है? तो वह दोस्तों अम्ल। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? तो भाई दोस्तों क्षार। निम्न में कौन प्रबल अम्लीय है? तो भाई दोस्तों पीएच बराबर 0। संपर्क विधि में गंधकाम्ल यानी कि H2SO4 के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है? तो भाई दोस्तों V2O5। किस प्रक्रम में वेनेडियम पेंटाक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो भाई दोस्तों संस्पर्श प्रक्रम। कौन सा दोस्तों? संस्पर्श प्रक्रम। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक के भूमिका बदलना यानी का, तो भाई दोस्तों सकरण ऊर्जा। उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है? दोस्तों परिवर्तित कर देता है। उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? तो भाई दोस्तों बर्जीलियस। जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती हैं तो उत्प्रेरक कहलाता है? तो वह कहलाता है समांग उत्प्रेरक। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं? तो वह दालों से। निम्न में से किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो वह दोस्तों Na2CO3। तो दोस्तों इसी के साथ आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और कहना चाहूँगा ये वीडियो ऐसा नहीं है किसी एक एग्ज़ाम के लिए, SSC, UPSC, UPPSSC, रेलवे, TET, UPSC, डिफेंस, यानी कि सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। जो GK के क्वेश्चन आंसर हैं केमिस्ट्री के, तो सबके लिए हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें और अपने यार दोस्तों की शेयर कर दें। जय हिंद जय भारत।